हेलो दोस्तों, देखिए रीजनिंग का ये तीसरा लेक्चर है। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं ना कि जो रीजनिंग में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आ सकता है और जो भी क्वेश्चन मतलब अच्छे क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं। और बेस्ट वे ही होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाएं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को, एक टाइप के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, हमें मिक्स प्रैक्टिस करना होगा। जितना आप मिक्स प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग जितना भी ज़्यादा हो हर टाइप के क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं और उसको कर रहे हैं बहुत कम समय में, और कुछ अच्छा अच्छा सीख भी रहे हैं। तो आपको अगर ठीक लगेगा इसको तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए तो आज के चलिए लेक्चर शुरू स्टार्ट करते करते हैं, हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड को इसमें लिखा हुआ है ना, फ्रेंड को इतना लिखा हुआ है, तो कैंडल को क्या लिखा जाएगा? तो फ्रेंड को लिखना है तो फ्रेंड को देखिए आप प्लेस वैल्यू जल्दी जल्दी लिखिए। फ्रेंड को कैसे लिखेगा? एफ बराबर क्या होता है? 6। आर बराबर होता है 18। आई बराबर 9 और इसको 5, और एन बराबर 14 और 4, और एच बराबर क्या होता है? 8। यू बराबर 21। एम बराबर 13 और जे बराबर 10 और टी बराबर 20 और के बराबर 11। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ? 6 प्लस 2, 18 प्लस 3, 9 13 लिखा हुआ, 9 4 13, 5 5 10, 14 6 20, 4 7 11, मतलब 2 3 4 5 6 7 ऐड करते चला गया। +2 +3 +4 +5 +6 +7। अब देखिए इसमें हम +2 करेंगे तो सी का वैल्यू क्या होता है? 3। 3 अब +2 कितना? 5। तो ई से स्टार्ट होगा तो डी वाला ऑप्शन खत्म, ई से स्टार्ट होगा। अब देखिए एस होगा कि डी होगा? ए के बाद कितना? 3 ऐड करना। 1 प्लस 3 कितना होता है? 4। तो ए ऑप्शन फर्स्ट से। अब इसके आगे इसको चेक करना भी नहीं था क्योंकि ये दो ऑप्शन पहले से ही ख़त्म। अब केवल एस सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे देखना था, ई डी से स्टार्ट होगा, यहाँ एस है, तो ये हमारा आगे चेक करना भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ गया आपका आंसर। तो इसमें क्या है ना कि आप प्लेस वैल्यू कितना जल्दी लिख पाते हैं उसके लिए हम लेके आए हैं इस क्वेश्चन को। देखिए प्लेस वैल्यू आपको जितना याद होगा उतना आप इसको इजीली कर पाएंगे। आप लिखते बहुत सारा सारा क्वेश्चन में है क्या कि आप लिखिएगा प्लेस वैल्यू और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए देखिए आप इस स्पीड में लिखिएगा, जितना स्पीड में लिख सकते हैं उतना में आपको फ़ायदा होगा। जैसे देखिए इस कैंडल को आपको लिखना है तो आप देखिए 3 1 14 4 12 5 इस स्पीड में लिख पा रहे हैं। अगर इस स्पीड में लिख देंगे तो आपको आपका पूरा 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 है कि आपका टाइम किल नहीं होगा, तुरंत आप आंसर निकाल पाएंगे। आप इस स्पीड में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ऐसे लिख पा रहे हैं कि नहीं, इसी स्पीड में भी 4 12 5 इस स्पीड में भी लिख पा रहे हैं तो भी चलेगा। आप जितना अगर आपको याद करना है ए बी सी डी का, अब मेरा एक लेक्चर हम बनाए हुए हैं इसमें ए बी सी डी का, कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। चैनल में जाके चेक कीजिए, हम इसमें भी डाल देंगे, आपको लिंक डाल देते हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में है कि ये देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसको देखिए अब आप यहाँ लिख लीजिए या हम लिख देते हैं। जैसे ओ पी डैश एम ओ डैश एन डैश डैश पी एन एम ओ पी डैश। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो हमें इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं, तो इसमें ना फर्स्ट है ना लास्ट है, तब हमें दिमाग लगाना है कि देखिए एम एम ओ पी, अब सबसे बड़ा यही है तो एम ओ पी साथ में है और इसके बाद एक लेटर है, तो एम ओ पी एम ओ यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और देखिए एम ओ पी एम ओ पी एन, चार चार लेटर का बन रहा है क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 1 2 3 4, चार के ग्रुप में बन रहा है। तो देखिए एम ओ पी है तो एम स्टार्ट होगा, एम ओ पी एन एम ओ पी एन एम एम ओ पी एन एम ओ पी एन, तो एम एन पी एम ओ एम एन पी एम ओ एन फर्स्ट ऑप्शन। देखिए एम एन पी एम ओ एन ए आपका आंसर होगा। देखिए मैं इसमें क्या किए हैं, हम क्या किए हैं वो देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किए, देखिए हम फर्स्ट लास्ट हमको नहीं मालूम है ना फर्स्ट मालूम है, लेकिन हम यहाँ पे ये सबसे बड़ा है एम ओ पी एम ओ पी एम ओ पी एम ओ पी के बाद हमको दिखा कि यहाँ पे एम ओ पी है, इसके बाद एक डॉट लिखा हुआ। तो यहाँ से हम देखें, यहाँ से स्टार्ट किए तो हमें ए वाला पॉइंट मिला हमको, एम के बाद ओ एम के बाद ओ, तो हम एक एक लाइन ड्रॉ किए और इसके बाद वाला के ग्रुप को गिने 1 2 3 4,
तो इस सब चार चार के ग्रुप में बट गया। जैसे ही चार के ग्रुप में बट गया था, आपको केवल इसमें वैल्यू पुट कर देना था, MOPN MOPN MOPN। तो इस तरीका से आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, अब आपको इसको सीखना है तो इसका भी हम लेक्चर बना चुके हैं, इसको भी आप देख सकते हैं जाके कि कैसे इसमें सोचना रहता है। और ये हर एक एग्ज़ाम में आता ही है और बहुत ईजिली आप बना जाएंगे अगर एक बार सीख लीजिएगा तो। हम बताए हुए हैं, इसको सीख लीजिए जाके। चलिए तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए, एक ये भी क्वेश्चन है जिसको चाइनीज कोडिंग बोला जाता है, जिस तरीके से कि इसमें लिखा है कॉम एंड सी को लिखा हुआ है ना हा सा, और देखिए नाइस टू सी यू को ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और सी एंड अगेन को इतना लिखा हुआ है। तो अगेन को आपको बताना है कि अगेन को कैसे लिखा जाएगा। तो अगेन किस में है, अगेन को देखिए, इसको सॉल्व करने के सबसे सबसे मतलब इजी तरीका क्या है, अगेन इसमें है सी एंड अगेन, इसको लिखा है का ना सा, तब सी अगेन इसमें है। अब अगेन देखिए कि और किसी में है क्या, कॉम एंड सी, नाइस एंड सी यू, नाइस टू सी यू, इसमें किसी में नहीं है, लेकिन अगेन इसी में है। तो इसका मतलब का ना सा, इसी में से तीनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो का ना सा, तो हा वाला गलत हो जाएगा, का ना सा तीनों में से वही आंसर होगा। अब देखिए इसमें से का ना सा, अब इसमें से जो भी इनमें कॉमन किसी में नहीं है, लेकिन अगेन किसी में कॉमन नहीं है, तो मतलब इन दोनों यहाँ और यहाँ यहाँ से इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। तो जो जो उसमें कॉमन है उसको काट दीजिए, यहाँ सा है यहाँ सा का काट दीजिए, यहाँ ना है यहाँ ना काट दीजिए, तो का के ए आपका आंसर हो जाएगा। समझे आप इसमें क्या करना है, इसमें जो जहाँ पे अगर हमको मिल गए, यहाँ पे अगेन मिला, तो हमको इसी में देखना है क्योंकि बाकी सब में नहीं है। अब इसमें बाकी सब कॉमन है, हम उसको क्यों देखें, हमको केवल अगेन से मतलब है, अगेन हमको निकालना है। तो इसी में से तीनों में से होगा, अगर इन इन तीनों में से जो बाकी ऑप्शन में नहीं है वो आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सा था तो सा कैंसिल हो गया, ना था तो ना कैंसिल हो गया, तो का किसी में नहीं है तो का इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीक़े से आपको इसको इसमें टाइम बचाना है, इसको पूरा लिखना नहीं है आपको कि लिख के कर रहे हैं, इसको लिखिएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट इसी क्वेश्चन से ही आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे। देखिए इसमें सीरीज है, यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें क्या है, देखिए 24, अब देखिए आप अगर याद रहेगा तो इस ये 24 है, ये 22 है, ये 20 है, ये 18 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 24 में से 2 गया, -2 -2 -2, तो फिर से -2 हो जाएगा, 18 में से 2 गया क्या होगा, 16, पी से स्टार्ट होगा, पी सब से स्टार्ट है, अब देखिए पी से स्टार्ट है सब स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद बी है, 2 2 4 2 6 2 8, देखिए बी डी एफ एच, तो 2 है 4 है 6 है 8 है, तो इसमें क्या है, +2 +2 +2, तो फिर +2 हो जाएगा, 8 2 10 जे हो जाएगा, तो पी जे पी एल वाला कैंसिल हो जाएगा, एल वाला कैंसिल होगा, पी जे जे जे, अब भी लास्ट हमको देखना है तो लास्ट क्या होगा, तो लास्ट क्या है देखिए जेड वाई है, -1 -1 -1 -1 हो जाएगा, डब्लू डब्लू 23 23 में से क्या क्या होगा 22, तो भी वाला आंसर हो जाएगा, 2 आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए इस सब क्वेश्चन में हमको लाने का सिर्फ सिर्फ मतलब है कि आप इस तरीक़ा से आप इसको प्लेस वैल्यू को कितना जल्दी आप लिख के बिना लिखे आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर एक्स लिखा हुआ है तो आपको 24 लिखना पड़ रहा है, नहीं लिखे बिना एक्स बराबर 24 आप दिमाग में काम कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ है। आप माइंड में बैठाइए इसको, ABCD को पूरा आप देखिए, जाके याद कीजिए वहाँ से कि कैसे याद किया जाता है, उसको सीखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही देखिए बोट को ऐसा कोड किया हुआ है, फेयर को ए कोड किया हुआ था, गेन को क्या लिखा जाएगा वो बताना है। देखो बोट लिखा हुआ BOAT, और इसको लिखा हुआ है TBAO लिखा हुआ है, AO लिखा हुआ है, तो इसमें क्या गया है, टी यहाँ पे लिखा है, बी यहाँ पे लिखा है, ओ यहाँ, ये वो ऐसे कर दिया हुआ है, जैसे FAIR और RFIA लिखा हुआ है। ये लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखा हुआ, फर्स्ट वाले को सेकंड में लिखा हुआ है, ये थर्ड ऐसे ऐसे कोड किया हुआ है। तो वैसे ही गेन लिखेंगे GAIN, तो लास्ट वाला फर्स्ट में हो जाएगा N, अब फर्स्ट वाला यहाँ पे हो जाएगा और IA हो जाएगा, इस तरह का NGIA, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, तीन थर्ड नंबर आंसर सही हो जाएगा।
इस तरीका से है NGIA आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ करना नहीं था, ये तो सिंपल इस तरीका से किया हुआ है, आपको इसी तरीका से करना है बस, और कुछ नहीं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 2197 दिखते हैं आपको 13 का होल क्यू दिख रहा है कि नहीं, ये अगर नहीं दिख रहा है तो प्रॉब्लम है, आपको याद रहना चाहिए 1 से 20 तक का एटलीस्ट होल क्यू याद रहना चाहिए इस तरीका से। जैसे ही आप 13 का होल क्यू देखेंगे तो 13 का होल क्यू कैसे, जेड बराबर 26, 26 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 13, ये 13 का होल क्यू लिखा हुआ है। आर बराबर 729 क्या है, 9 का होल क्यू, आर बराबर 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 9 का होल क्यू लिखा हुआ है। तो जे बराबर क्या होता है 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 5, 5 का होल क्यू लिखा हुआ है, 125 आपका आंसर सही हो जाएगा। आपको 1 से 20 तक याद होना चाहिए, जैसे 1 2 3 ऐसे डेली लिखिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे लिखिए, और सब में स्क्वायर क्यूब लिखिए, 1 लिखिए 8 लिखिए 27 लिखिए 64 लिखिए 125 216 343 512 929 1000 लिखिए, 1331 लिखिए, 1728 लिखिए, 2197 लिखिए, यही 2197 लिखा, 2744 3375 40 96 49 13 58 32 68 69 8000। आप इस तरीके इतना स्पीड में लिख पाए, अगर याद है तभी लिख पाइएगा, आप याद कीजिए, डेली लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा, डेली लिखना पड़ेगा। और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि आपको कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना ही, लिख के प्रैक्टिस हमको देखें, आपके सामने हम लिखें कितना सेकंड लगा, 30 से 30 सेकंड लगा होगा हमको लिखने में। आप डेली लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपसे हो पाएगा, और ये सब चीज़ याद रहने से बहुत फ़ायदा होता है, एकदम मानिए बात को, मानिए आप एकदम फ़ायदा होगा। अगर आपको 30 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर याद है तो बहुत फ़ायदा करेगा। स्क्वायर भी निकालना हम सिखाए हुए हैं, वो भी सीख सकते हैं जाके, क्यूब निकालना नहीं अभी हम बताएँ, तो क्यूब आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ तक कंप्यूटर को कोड किया हुआ है, ये मेडिसिन को आपको कोड करना है। तो कंप्यूटर बराबर देखिए, कंप्यूटर को क्या लिखेंगे, फिर से आपको लिखना है 3 15 13 16 21 20 5 18 ऐसे लिखिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। 18 6 21 22 17 14 16 3 ऐसे लिखना है, लिखते ही आपको सब चीज़ दिखेगा। देखिए 18 को 18 यहाँ लिया है, 3 को 3 ऐसे लिया है, 5 से +1 किया हुआ है, 20 +1 किया हुआ है, उसके बाद क्या है 21 21 22 +1 किया हुआ है, 16 +1 किया हुआ है, 13 +1 किया हुआ है, 15 +1 किया हुआ है, केवल क्रॉस करके और बाकी +1 +1 कर दिया है। तो ऐसे ई यहाँ से स्टार्ट होगा, ई से स्टार्ट होगा, तो ई से स्टार्ट होगा तो ए वाला ऑप्शन ख़त्म, ए वाला ऑप्शन ख़त्म, तो हमारे पास ई से स्टार्ट होगा, एम से एंडिंग होगा, ई एम इसमें ही है। अब देखिए ओ जे डी अब इस पांचवा लेटर हमको केवल मिलाना है कि पांचवा क्या होगा, तो पीछे से 1 2 3 4 5 तो 9 1 10 दस बाद मतलब क्या हो जाएगा, जे जे यहाँ पे होना चाहिए, तो ये हमारे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जब यहाँ पे सब मिला सेम ही है तो हमको जो जहाँ डिफरेंट है वही हमको फाइंड करना है। अब पांचवा लेटर हम फाइंड कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। अब हम क्यों सबको फाइंड करने जाए, जितना लिखेंगे उतना हमको टाइम लगेगा, हम तो एक तो लिख के इतना लिखे तो हमको टाइम लगा ना, तो यहाँ जो टाइम लगा अब आगे हमको ऑप्शन से खेलना है, जहाँ पे हमको टाइम बचाना है वहाँ टाइम बचाएंगे। अब देखिए यहाँ तो ई ओ जे डी सेम था, उसके बाद डिफरेंस था, तो हमको डिफरेंस को फाइंड कर लेना था, हम तो पहले ही फाइंड दो तो ऑप्शन क्रॉस कर चुके थे। तो ठीक है, इस तरीके से भी आपको सोचना है, ऑप्शन को भी देखते रहना है। देखिए एक लड़का है उत्तर दिशा, उत्तर मतलब क्या हो जाए, देखिए ई होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसे एक लड़का उत्तर दिशा के 20 मीटर चलता है तो उत्तर दिशा ऊपर होगा, ठीक है उत्तर दिशा इसे 20 मीटर ऊपर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, इसके दाएं क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी है यहाँ ऐसे है, इसका दाएं क्या क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में तो घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाएं।
बाएं बाएं हो जाता है। तो इसे क्लॉकवाइज मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो 30 मीटर ऐसे चला देते हैं, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है। इसका क्लॉकवाइज कैसे होगा, नीचे पड़े तो नीचे दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो 35 मीटर यहाँ तक पहुँच गया चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो यहाँ का बाएं कितना हो, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट होगा, तो ये वाला 15 मीटर यहाँ पे पहुँच गया। अब फिर उसका अंत 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। यहाँ से भी बाएं मुड़ेगा, उधर हो जाएगा तो राइट, ऊपर जाएगा तो लेफ्ट। तो यहाँ से 15 मीटर यहाँ तक चल गया। देखिए ये यहाँ तक, ये अब यहीं से पूछा है कि आरंभ का स्थान से क्या है, उसका अंतिम स्थान उसके आरंभ स्थान से कहाँ है। तो उसका अंतिम स्थान ए है, आरंभ का स्थान ए है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये 30 और ये 15, 45 मीटर पूरब में, ऐसे आंसर हो जाएगा। तो ये तो दाएं बाएं का खेल था, और इस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन डिस्टेंस का है क्वेश्चन है। जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि हमको नहीं नहीं बन रहा है या नहीं हमको समझ में आ रहा है, तो उस टॉपिक पे आप बोलिए, कमेंट कीजिए, हम उस पर पूरा डिटेल वीडियो हम बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से जो अभी हम लोग पहले ऊपर क्वेश्चन हम लोग किए थे उसी में इस तरीके से लिखिए, 1 3 4 बराबर है गुड एंड टेस्टफुल, 4 7 8 बराबर लुक्स गुड पिक्चर, 7 2 9 का अर्थ है पिक्चर इज ब्लरी। आपको लुक्स का बताना है, ठीक है, लुक्स को कोड करना है। तो लुक्स इसमें है, तो लुक्स इसमें मतलब कि 4 7 8 में हमको देखना है। तो 4 7 और कहीं जगह लुक्स नहीं है, इसमें ना इसमें किसी में लुक्स नहीं है, एक ही जगह लुक है, लुक्स है। तो लुक्स यहाँ पे है, तो इसका कोड है 4 7 8 में ही कुछ हो सकता है। तो 9 पहले ही गलत हो गया, 4 7 8 हमको देखना है। अब 4 7 8 यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 यहाँ से ख़त्म हो गया, 7 कहीं और, 7 यहाँ पे है, तो ये 7 खत्म, 4 खत्म, 7 खत्म, तो 8 आंसर आपका, 8 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है आपको, मैक्सिमम 10 15 सेकंड लगेगा, और इससे ज़्यादा लगेगा नहीं अगर आप इस तरीका से करते हैं तो, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कुछ सीख के ही जाइएगा। देखिए ये तो बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी आपको सीखना है कि इसमें कैसे करते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन के थ्रू केवल करना है, ऑप्शन के ही थ्रू जाना है, ऑप्शन से ही जाना है इसको, ऑप्शन से और कुछ नहीं। देखिए फर्स्ट तो आपको मिल गया, एक 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 कॉमन है, तो एक हमको देखना ही नहीं है। अब हमको देखना है सेकेंड ऑप्शन में, देखिए 6 4 6 6 और 4 में आपको डिफरेंस है, 6 में ए है, 4 में ए है, DECO के बाद D है और यहाँ पे R है, तो मतलब पहले 6 होगा। तो ये 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो 6 हो जाएगा। अब देखिए थर्ड में देखिए 4 है, 4 है, 5 है, तो 4 और 5 में कौन होगा, DECO RA वाला, तो 4 पहले होगा, तो 4 वाला पहले होगा, तो मतलब कि 5 ए वाला गलत हो जाएगा, ए वाला, और कौन काटे थे, ए वाला काटे थे, तो ए वाला हमारे पास अब 2 बचा, ये 1 और 3। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 5 और 2 में क्या हो जाएगा, DECO COU है, COR है, तो पहले कौन होगा, R होगा, तो 5 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हम इतना किए आपको बता रहे हैं तब तब हमको टाइम लग रहा है, लेकिन इसको करने में मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड लगता है, 15 से 20 सेकंड में आप बना ले जाएंगे अगर इस तरीके से करिएगा ऑप्शन के थ्रू। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, दोनों चीज़ कर रहे हैं, इस कारण से आपको लग रहा है कि इतना टाइम लग रहा है, क्यों वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं वेस्ट होगा। देखिए आपको करना क्या है, ऑप्शन से जाना है, फर्स्ट ऑप्शन हमको काट कट कर मिल गया, दूसरा बात 6 और 4 को देखना है, सेकेंड ऑप्शन सेकेंड 6 और 4 में जो 6 हमको मिला था तो ये वाला कैंसिल कर दिए। फिर उसके बाद थर्ड वाले नंबर वाले पे देखें, 4 और 5 में हमको 4 मिला था, 5 वाले को कैंसिल कर दिए। अब इन दोनों में देखना था 5 और 2 में कौन था पहले, 5 हमारा पहले था, तो हमारा आंसर फर्स्ट आंसर सही हो गया। इसी तरीक़े से करना, अगर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, देखिए इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखे। अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो हमें लाइक करिए, शेयर कीजिए, आप लोग देखते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे, मैथ्स का भी वीडियो आ रहा है, मैथ्स भी हम डाल रहे हैं और रीजनिंग भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।